नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक, दोस्तों जो रिजल्ट सीट बनती है उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। प्राथमिक शिक्षा सत्र 2020-21 जिला, दोस्तों यहाँ जिला मुरैना लिखा, तो आप जो भी अपना जिला है वो लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों हम इसमें देखेंगे, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। हम देखेंगे दोस्तों वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है, यहाँ पर दे रखा है जिले का नाम, तो जो भी जिला है उसका नाम लिखेंगे दोस्तों। जन शिक्षा केंद्र का नाम, अपने जन शिक्षा केंद्र का नाम लिखेंगे। बसाहट का नाम यानी कि अपने गांव का नाम लिखेंगे। विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक व नाम दोनों लिखेंगे दोस्तों। फिर है विकासखंड का नाम, ग्राम पंचायत या नगर निकाय, वार्ड या गांव, शाला का स्तर, प्राथमिक है तो प्राथमिक, माध्यमिक है तो माध्यमिक, शाला का नाम, तो दोस्तों अपनी शाला का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों हम शाला का डाइस क्रमांक, शाला का 11 अंकों का डाइस कोड, तो दोस्तों अपना यहाँ डाइस कोड लिखेंगे, जो भी है 11 अंकों का वो अपनी शाला का डाइस कोड आप यहाँ पर अंकित करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं कक्षा, तो जिस कक्षा का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक बना रहे हैं उस कक्षा का नाम, जैसे दूसरी, तो दूसरी नामांकित संख्या, तो नामांकित संख्या अगर दोस्तों 20 है तो 20 लिखेंगे, जिसमें से सम्मिलित कितने हुए, तो 20 में से सम्मिलित 20 हुए। ए ग्रेड यानी 75 से अधिक प्रतिशत, 75 से 100 के बीच में ए ग्रेड, तो ए ग्रेड में कितने बच्चे आए वो लिखना है दोस्तों। बी ग्रेड में कितने बच्चे हैं वो लिखना है। सी ग्रेड 45 से 59 प्रतिशत, तो यहाँ पर सी ग्रेड में कितने बच्चे हैं वो लिखना है। डी ग्रेड ऐसा कैसा, ई ग्रेड, दोस्तों आप देखेंगे कि ई ग्रेड 33 प्रतिशत से कम, 33 प्रतिशत से कम में हम ई ग्रेड लिख सकते हैं। हिंदी कौन से में उसको कम आए हैं, तो दोस्तों वो लिखेंगे हम यहाँ पर, हिंदी में कम आए 33 से कम, अंग्रेजी, गणित या पर्यावरण में, तो विशेष शिक्षण की आवश्यकता। दोस्तों यहाँ पर नोट दे रखा है, वार्षिक परीक्षा वार्षिक परिणाम को इस प्रपत्र में कक्षा अध्यापक द्वारा अर्धवार्षिक यानी माह जनवरी का 20 अंक एवं वार्षिक माह फरवरी के 50 अंक प्लस माह अप्रैल मार्च माह मार्च के 50 अंक, इस प्रकार कुल 120 पूर्णांक प्रत्येक विषय के मान से प्राप्तांक भरे जाए। ठीक है दोस्तों, एक बार और आप ये नोट देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नोट दे रखा है उनने कि वार्षिक परिणाम को इस प्रपत्र में कक्षा अध्यापक द्वारा अर्धवार्षिक यानी जनवरी माह के 20 अंक, वार्षिक फरवरी माह के 50 अंक और मार्च माह के 50 अंक, इस तरीके से दोस्तों 120 कुल 120 पूर्णांक प्रत्येक विषय के मान से आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कुल प्राप्तांकों के आधार पर उपरोक्त तालिका अनुसार ग्रेड अंकित की जावे। नंबर दो कॉलम में नोट नंबर दो दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर जाति के कॉलम में SC, ST, OBC, जैन अंकित किया जाए। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर, दोस्तों आगे आएंगे तो हम नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है सह सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, स्कॉलर, प्रवेश क्रमांक, विद्यार्थी, माता, विद्यार्थी का पूरा नाम, माता का पूरा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि अंकों में, जाति, भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित, पर्यावरण, महायोग और ग्रेड।
तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर हमको सरल क्रमांक लिखना है, तो सरल क्रमांक एक, अनुक्रमांक, तो अनुक्रमांक यानी रोल नंबर जो भी विद्यार्थी के है वो लिखना है, स्कॉलर नंबर, प्रवेश क्रमांक लिखना है, विद्यार्थी का नाम लिखना है दोस्तों, माता का नाम लिखना है, यहाँ पर विद्यार्थी के पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है डे में, मंथ और ईयर में, जाति में SC ST OBC JN ये लिखना है सिर्फ दोस्तों, और 120 अंकों में से विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन कुल प्राप्त अंक, 120 प्रथम भाषा हिंदी में से कितने प्राप्त हुए, द्वितीय भाषा अंग्रेजी में से कितने प्राप्त हुए, और गणित और पर्यावरण के कितने, कुल करके दोस्तों यहाँ पर महायोग आ जाएगा और उसकी ग्रेड आ जाएगी। दोस्तों नीचे देखेंगे हम तो यहाँ पर आधार नंबर लिखना है विद्यार्थी का, यहाँ पर SSM ID लिखना है और यहाँ पर Family ID लिखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम, नेक्स्ट है दोस्तों वार्षिक परिणाम, परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्र पूर्व माध्यमिक यानी माध्यमिक का 2020 और 21, जिला लिखा है दोस्तों तो अपना ज़िला लिख सकते हैं, शाहजहाँपुर जो भी है, ठीक है दोस्तों। फिर ज़िले का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे आप शाहजहाँपुर, जन शिक्षा केंद्र का नाम लिख सकते हैं अपने, बसाहट यानी अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, विधानसभा क्रमांक और क्षेत्र लिख दें, ग्राम पंचायत नगर निकाय का नाम लिख दें, शाला का स्तर तो माध्यमिक लिख दें, विकासखंड वार्ड और शाला का नाम, शाला का 11 अंकों का डाइस कोड दोस्तों यहाँ लिखना है आपको, 11 अंकों में डाइस कोड लिखना है, कक्षा तो कक्षा 6 जो भी आप बना रहे हैं 6, 7, 8 कुल सम्मिलित विद्यार्थी की संख्या, और नामांकित विद्यार्थी कितने हैं और सम्मिलित कितने हुए, कितने ए ग्रेड में आए, कितने बी ग्रेड में, और दोस्तों कितने सी ग्रेड और डी ग्रेड, और अगर किसी को 33% से कम आते हैं तो उसको विशेष शिक्षण की आवश्यकता है, तो वो जो जिस विषय में जितने विद्यार्थी आते हैं वहाँ पर यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिखना है। दोस्तों यहाँ पर भी नोट लिखा है, वार्षिक परिणाम को इस प्रपत्र में कक्षा अध्यापक द्वारा अर्धवार्षिक माह जनवरी 20 अंक, वार्षिक माह फरवरी 50 अंक प्लस मार्च 50 अंक, इस प्रकार कुल 120 पूर्णांक प्रत्येक विषय के मान से प्राप्तांक भरे जाए, कुल प्राप्तांकों के आधार पर उपरोक्त तालिका ग्रेड अंकित की जावे, ठीक है दोस्तों, ग्रेड अंकित की जावे। दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर सरल क्रमांक दे रखा है अनुक्रमांक, तो यहाँ सरल क्रमांक लिखे, यहाँ पर रोल नंबर लिखे विद्यार्थी का, या स्कॉलर प्रवेश के आधार पर उसका प्रवेश क्रमांक लिखे, विद्यार्थी का नाम लिखे पूरा नाम, विद्यार्थी का माता का नाम लिखे, विद्यार्थी के पिताजी का नाम लिखे, डेट ऑफ बर्थ मंथ और ईयर में, जाति लिखे तो जाति में दोस्तों SC ST OBC प्लस जनरल लिखना है न कि उसकी जाति, प्रथम भाषा में 120 में से कितने अंक प्राप्त हैं, ठीक है दोस्तों, द्वितीय भाषा में कितने अंक प्राप्त हैं, तृतीय भाषा 120 में से कितने अंक, गणित तो प्रथम भाषा में हिंदी, द्वितीय भाषा में अंग्रेजी, तृतीय भाषा संस्कृत, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान और कुल महायोग, तो दोस्तों 720 में से कितने आए और यहाँ पर उसकी ग्रेड अंकित करना है। दोस्तों आधार नंबर लिखना है नीचे, SSM ID लिखना है विद्यार्थी का, और विद्यार्थी का Family ID भी ज़रूर लिखना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम देखेंगे विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के लिए 75% से 100% ए ग्रेड उत्कृष्ट, 60 एवं अधिक 75% से कम बी ग्रेड उत्तम, 45% एवं अधिक तथा 60% से कम सी ग्रेड अच्छा, 33% एवं अधिक 45% से कम डी ग्रेड यानी सामान्य, 33% से कम ई ग्रेड यानी सुधार योग्य, ठीक है दोस्तों। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कोड
जरूर लिखें। दोस्तों यहाँ पर प्रगति पत्र दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है प्रगति पत्र पूर्व माध्यमिक शिक्षा सत्र 2020-21। डाइस कोड लिखना है शाला का, शाला का नाम लिखना है, विद्यार्थी का पासपोर्ट, विकासखंड, जिला, सरल क्रमांक, कक्षा, विद्यार्थी का नाम, अनुक्रमांक, पंजीक्रमांक या स्कॉलर नंबर, ठीक है दोस्तों, माता का नाम, पिताजी का नाम, जन्मतिथि, जाति, विशेष आवश्यकता, समग्र आईडी और फैमिली आईडी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आधार कार्ड। नीचे देखेंगे दोस्तों हम, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों यानी कि स्कॉलर क्रमांक, शाला का नाम, विद्यार्थी का नाम, कक्षा, वर्ग, सत्र और डाइस कोड। विद्यार्थी द्वारा सत्र 2020-21 के प्राप्तांकों का ग्रेड, ठीक है दोस्तों। अर्धवार्षिक प्रतिभा पर्व महाजनवरी 2021 की वर्कशीट, प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, तृतीय भाषा संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कुल योग। दोस्तों अर्धवार्षिक प्रतिभा पर्व महाजनवरी 2021 वर्कशीट यानी पूर्णांक 20 में से उसको कितने नंबर दिए, ठीक है। ऐसा कैसा वार्षिक मूल्यांकन महाफरवरी 2021 वर्कशीट 2, ठीक है दोस्तों, ये भी 50 अंक का है, ठीक है। जिसके बाद में वार्षिक मूल्यांकन मार्च माह वर्कशीट 3, ये भी 50 नंबर का है, कुल कितने दिए। ऐसे करके दोस्तों 120 नंबर में से विद्यार्थी को कितना मिला और यहाँ पर उसको उसकी ग्रेड दर्शाना है, ठीक है दोस्तों। नीचे दे रखा है सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, केवल ग्रेड भरें। दोस्तों यहाँ पर केवल आपको ग्रेड भरना है, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद या स्काउट, रेड क्रॉस। तो इसमें दोस्तों ए बी जो भी आप विद्यार्थी की ग्रेड आती है, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन केवल इसमें भी दोस्तों ग्रेड ही भरना है। नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदना, नेतृत्व की क्षमता, सत्यवादिता, ईमानदारी, अभिवृत्ति, ठीक है दोस्तों। शिक्षक का अभिमत यहाँ पर लिखें, वार्षिक परीक्षा परिणाम ग्रेड लिखें, उक्त विद्यार्थी कक्षा में कक्षोन्नति दी जाती है तो कौन सी कक्षा में दी जाती है वो लिखें, हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक के दोस्तों, हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक व पदमुद्रा जनशिक्षा प्रभारी के हस्ताक्षर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों प्राथमिक में भी वैसे के वैसे ही इसमें प्रगति पत्रक प्राथमिक शिक्षा सत्र वैसा का वैसा आपको दे रखा है, ठीक है दोस्तों।